बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर दिल की बीमारी का डर बना हुआ है, अगर घर में तरक्की नहीं हो रही है, परिवार में लड़ाई रहती है, तो आपको कुछ उपाय करने की जरूरत है। कौन से, ये आगे बताऊंगी। इससे पहले जानिए आज का पहला महा उपाय। इनकम बहुत समय से स्टेबल है, इनकम बढ़ नहीं रही है, तो ये उपाय कीजिए। सुबह नहा कर तांबे के लोटे में जल डालिए, थोड़े काले तिल मिलाकर मंदिर जाइए। इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाइए, साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते रहिए। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पर जल बिल्कुल पतली धार में चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद फूल और बेलपत्र चढ़ाइए, आपकी इनकम के रास्ते खुल जाएंगे। पति पत्नी की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है। पति पत्नी को रात के समय कुछ काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो दोनों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कौन से हैं वो तीन काम, आपको हम आगे बताएंगे। पहले सेहत और परिवार से जुड़े कुछ खास उपाय। अच्छी हेल्थ के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए रात को सोते समय ग्लास में या लोटे में पानी भरकर रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को पी लीजिए और ग्लास को या लोटे को उल्टा कर रख दीजिए। ऐसा करने पर हेल्थ में बेटरमेंट आती है, कहीं पे भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी और बीमारी दूर रहती है। दूसरी चीज, अगर दिल की बीमारी है और ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो एक मुखी या 16 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। इसके ना मिलने पर आप 11 मुखी, 7 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष एक साथ कर भी पहन सकते हैं। आप अपनी पसंद के रुद्राक्ष को पहनिए, आपकी नेगेटिविटी वो अब्सॉर्ब कर लेगा। और इसको आपको मंडे के दिन पहनना है। गंगा जल से नहा कर और गंगा जल से उसको भी धोकर आपको शिव जी के पास पहले उनको चढ़ाना है, फिर संभव हो सके तो रुद्र अभिषेक करें या शिव जी पर ओम नमः शिवाय बोलते हुए दूध, थोड़े दूध और पानी मिलाकर अभिषेक कीजिए। अभिमंत्रित रुद्राक्ष को काले या लाल धागे में डाल लीजिए गले में। जिन लोगों को एक या दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है, वो लाल धागे में 5 मुखी रुद्राक्ष पहने और 7 साबुत लाल मिर्च के डंठल ले लें। इसको लाल कपड़े में रखें। जिस इंसान को हार्ट अटैक आया है एक या दो बार, उसके सिर के ऊपर से घुमाइए 21 टाइम्स। उसके बाद किसी नदी या किसी फ्लोइंग वाटर के पास में छोड़ दीजिए। ऐसा करने पर उनको आगे का कोई रिस्क नहीं होगा। रोज घर पर घी का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। जब आप घी का दीपक जलाते हैं, तो जो लौ है वो ईस्ट या साउथ डायरेक्शन की तरफ होनी चाहिए और दीपक के बीच में फूलदार बाती वाला दीपक लगाना बहुत शुभ होता है। रात के समय बेडरूम में कपूर जलाने से बीमारियां या बुरे सपने नहीं आते हैं, पितृ दोष का नाश होता है और घर में शांति बनी रहती है। पूर्णिमा की चांदनी रात में खीर बनाएं, ठंडी होने पर चंद्रमा किरणों में रखें, अपने पितरों को भोग लगाएं, कुछ खीर ब्लैक डॉग को दें। साल भर ऐसा हर पूर्णिमा पे करने से ग्रह कलेश, बीमारी, बिजनेस में लॉस, हर चीज से मुक्ति मिलती है। अगर कोई इंसान बहुत समय से बीमार है, तो शहद में चंदन मिलाकर उसको चटाइए। अगर बेटा बीमार हो, तो छोटी बच्चियों को, गरीब बच्चियों को हलवा खिलाइए। पीपल के पेड़ की लकड़ी सिरहाने पर रख दीजिए, आराम रहेगा।